ट्रेन छूट गई यार, मत मत मत, गिर जाएंगी बिना मतलब फंस। आप देखो कितनी गंदगी है, अभी सोचो सुबह सुबह जस्ट ट्रेन निकली भी नहीं है, क्लीन कर रहे हैं इसको। हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग भाई, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और आज एक और जर्नी में आपके सामने लेके आया हूँ भाई। करेंटली मैं अभी खड़ा हूँ गुजरात के अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, और यहाँ से हमारी ट्रेन हमें अगेन सपनों के शहर मुंबई लेकर जाने वाली, गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस हमारी ट्रेन है। और यह ट्रेन जर्नी आपको बहुत ही बेहतरीन एक अनुभव कराने वाली है। काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप अहमदाबाद से मुंबई के लिए ट्रेवल करते हो या फिर मुंबई से अहमदाबाद के लिए ट्रेवल करते हो, तो इस वीडियो में आपको इस गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके का है, कोच पोजीशन कैसा है, सीट कैसी होती है, फेयर कितना है, रूट का कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे, किस प्लेटफॉर्म पे कितना हॉल्ट लेती है, कितने मिनट का हॉल्ट लेती है, स्नैक्स वगैरह है नहीं है, पेंट्री, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा भाई। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। ट्रेन हमारी है 22954, और यहाँ से इसका जो डिपार्चर का जो टाइम है 7:10 फ्रॉम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। मोस्टली 8 प्लेटफॉर्म पे ही आती है, बट फिर भी जब भी आपको जर्नी करनी हो आप एक बार अच्छे इसे चेक कर लेना, अच्छे से इसे वेरीफाई कर लेना। मुंबई सेंट्रल तक जाती है, लगभग 493-495 किलोमीटर का ये पूरा सफर है, 500 किलोमीटर आप समझ सकते हो, 8-8.5 घंटे का समय पूरा लगता है। जो भी आप कंबल वगैरह यूज करते हो तो किस तरीके से चीज़ें लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, करेंटली आप एक तरीके से देख लो। बाकी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे भाई करंटली लगी हुई है, और अभी घड़ी बज गया 6:19, मैं यहाँ पे 6:05 को आ गया था, 6:07 को आ गया था, ट्रेन अभी भी लगी हुई है। तो अभी हम चल के बैठेंगे, बाकी आप देख लो ट्रेन में जिस तरीके से कंबल हो गए तो कहीं से वॉश करके या क्लीनिंग वगैरह करके आता है, अगेन जाता है, और इस तरीके से आप सप्लाई होती है। तो ये बिहाइंड द सीन आपको पता, मतलब आपको कंबल मिलता होगा बट किस तरीके से लोग मेहनत करते हैं वो चीज़ें आप देख लो यहाँ पे। कैसा है क्लीनिंग डेली होता है भाई? डेली कहाँ पे होता है क्लीनिंग? ये अपने पास में लॉन्ड्री है। अच्छा, अहमदाबाद की? जी। तो जितनी भी ट्रेनें अहमदाबाद में आती हैं सबका क्लीनिंग एक ही जगह पे होता है, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास में कोई लॉन्ड्री है। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। लगेज कम सीटिंग रहता है, 8 लोग यहाँ पे बैठते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो अगर कोई दिव्यांगजन है जो इस ट्रेन में गुजरात सुपर फास्ट में भाई ट्रेवल करने वाला है, तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे 8 सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। बाकी ये आपका एनिमल वगैरह अगर कोई पेट्स वगैरह लेके जाना चाहता है तो उसके लिए वहाँ पे है। और यहाँ पे भी भाई बैठने के लिए प्रॉपर 1-20 मतलब लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। ठीक है, आप देख लो SLRD जिसे हम कहते हैं SLRD, तो यहाँ पे लगेज कम सीटिंग ये पूरा कंपार्टमेंट है। इस ट्रेन में टोटल 10 डब्बे जनरल वाले सामान्य श्रेणी के हैं, 2 डब्बे आपके पीछे साइड मिलेंगे, बाकी के 8 डब्बे आपको फ्रंट साइड में आगे मिलेंगे। सुबह के टाइम जब मैं यहाँ पे आया हूँ भाई 6:28 हो गया है, और काफ़ी सारा स्पेस अभी भी अवेलेबल है। मैं संडे को जर्नी कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास टिकट वगैरह नहीं हो और आप टाइम के पहले आ जाओगे, चांसेस ज़्यादा है कि गुजरात सुपर फास्ट में आपको बैठने के लिए जगह मिल जाएगी, क्योंकि इस ट्रेन में 10 डब्बे अनरिजर्व है या फिर जनरल लोगों को ट्रेवल करने के लिए है। सबसे काम की बात सीनियर सिटीजन लोगों के लिए या फिर दिव्यांगजनों के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आपको यहाँ पे एक्सकेलेटर मिल जाएंगे, सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, तो आप ऊपर जा भी सकते हो, नीचे आ भी सकते हो। करेंटली चल नहीं रही है बट जब भी मैं आया तभी प्रॉपर चल रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे भाई इस तरीके से स्टॉल जो ऑफिशियली ऑथराइज स्टॉल है वो भी लगे हुए हैं, साथ में दूसरे जो भी स्टॉल है जो लोग चिप्स वेफर बिस्किट या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचते हैं वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, सुबह के टाइम भी आपको मिल जाएगी। आज का हमारा सफ़र 2294 में D8 में होने वाला है, तो मैं अपनी ट्रेन के सामने आ गया, अपना सामान मैं लगेज रखता हूँ, फिर थोड़ा आगे चलते हैं देखते हैं, और उसके बाद में 7:10 का वेट करते हैं। अभी मेरा जो सीट है 54 है, और आप देखो कितनी गंदगी है, अभी सोचो सुबह सुबह जस्ट ट्रेन निकली भी नहीं है, मतलब ये आपका ओरिजिन पॉइंट है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सी। अब क्या करूँ मैं, मुझे अल्टीमेटली बैठने, अदरवाइज़ मेरा था कि मैं सामान यहाँ पे रखूँगा बाहर निकलूँगा। अभी फाइनली इसको एकदम अच्छे से क्लीन करना ब्रदर,
विद इन सेकेंड भाई भाई लोग थे और मैंने बुलाया, ये लोग तुरंत आके क्लीन कर रहे हैं इसको। और आप लोग नॉर्मली कौन से डब्बे में रहते हो भाई? हाँ, जैसे बुलाना हो साफ सफाई कहीं रहे, गंदगी रहे, कहाँ पे हम लोग मिलोगे? ऑनलाइन फोन करते, कितने नंबर पे? कितने नंबर? चार नंबर पे रहते हैं, चार पाँच पे, छः सात पे, प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, और किस नंबर पे फोन करेंगे अगर कोई फोन करना चाहेगा तो? नंबर ठीक है, मैं भाई पता करके बता दूंगा। कहीं पे भी आपको अगर साफ सफाई लगे, आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे तो आपको मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे जाना है और आप तुरंत आके साफ कर देते। भाई एकदम बहुत बढ़िया सड़क कर देना, सामान रखने अंदर मेरे को। जो सेकंड सीटिंग में जो रिजर्वेशन होता है ना, डे वन, डे टू, डी थ्री से लेकर डी एट तक, और करेंटली ये डी एट कोच है, सभी में आपको सीटिंग अरेंजमेंट मोर और लेस ऐसा ही मिलेगा। 3:3 का यहाँ पे सीटिंग कॉम्बिनेशन। भाई सामान रखने के लिए इस तरीके से चीज़ें ऊपर दी गई, फैन है, लाइट है, चार्जिंग का पोर्ट कहीं पर मुझे ऐसा दिखा नहीं यहाँ पर, ये सब यहाँ पर खाली बटन है, चार्जिंग का पोर्ट नहीं दिख रहे हैं, तो ज़रा देखते हैं चार्जिंग का पोर्ट कहीं पर है कि नहीं। चार्जिंग का पोर्ट भाई पूरे डब्बे में कहीं पे भी नहीं है। पानी वीनी के लिए भाई यहाँ पे प्रॉपर प्रोविज़न किया गया है। और टॉयलेट आपका है, आप देख लो यहाँ पे, एक वेस्टर्न होगा एक इंडियन होगा, देखते जरा। यस, इट इज़ इंडियन, इंडियन है, दोनों सेम ही है, इंडियन इंडियन। आप देख लो यहाँ पे क्या करेगा, लाइट है, पानी का प्रोविज़न यहाँ पे किया गया है, किसी भी तरीके का यहाँ पे हैंड वॉश नहीं रखा गया है, किसी भी तरीके का यहाँ पे पेपर वगैरह नहीं रखा गया है, बाकी पॉट भी नहीं है। सी आप देखो यहाँ पे, इसमें पॉट भी नहीं है, खाली पानी है, एक टूटा फूटा डस्टबिन है, छोटा सा मिरर है जो भी साफ नहीं है। आप फ़र्क देख सकते हो दोनों ही डब्बों में, प्राइस का फ़र्क है, टिकट का फ़र्क है, तो यहाँ पे इतनी फ़र्क की उम्मीद मतलब मैंने तो नहीं करी थी। कम से कम चार्जिंग का एक मतलब पोर्ट तो देना चाहिए था, बट डब्बे पुराने हैं शायद इसी वजह से नहीं होंगे। बाकी हम थोड़ा वेट करते हैं, अभी 6:55 हुआ है, 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। और ये आपका अहमदाबाद का प्लेटफॉर्म नंबर 8, यहाँ पे भी पूरे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी जगह पे ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कटलेट, समोसा, वड़ा और ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है, आप अपने हिसाब से खा सकते हो। बाकी भाई लोग खा रहे हैं। टेस्ट कैसा है? बढ़िया है। ठीक, 7:10 पे भाई, 7:10 पे हमारी ट्रेन अभी अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है, एग्जैक्टली ऑन टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 8। बाकी सामने वेरावल, अहमदाबाद, जम्मू तवी, जोधपुर और एक सीनिंग वाला है लगा हुआ है। सात बज के 22 मिनट पे आप देख लो, सबसे पहला हॉल्ट मणिनगर रेलवे स्टेशन अहमदाबाद के बाद में, और 7:10 पे हमारी ट्रेन अहमदाबाद से चली थी भाई। सबसे पहला हॉल्ट 7:22 पे आपका मणिनगर है, अहमदाबाद के जस्ट पास में ही है। और जितने भी हॉल्ट आएंगे, टोटल 24 हॉल्ट शायद इस ट्रेन का है, गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, अहमदाबाद से लेके मुंबई सेंट्रल तक। कोशिश करेंगे जितने भी मेजर हॉल्ट हैं उन्हें कवर किया जाए, कोशिश करेंगे जितने भी माइनर हॉल्ट हैं उन्हें भी कवर किया जाए। मणिनगर का रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है MAN, ये भी आपका वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। इसका ऑफिशियल टाइम पहुँचने का 7:18 पे है और डिपार्चर टाइम आफ्टर 2 मिनट 7:20 पे है। ट्रेन हमारी आज 4 मिनट लेट से आई है। करेंटली टूडे 31st of March 2024, डे है आपका संडे। और भाई ये है आपकी WAP-7 की पूरी से आ रही भाई।
आपकी थी पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस। ट्रेन का दूसरा हॉल्ट आपका मणिनगर के बाद में महमदाबाद जंक्शन, ये अहमदाबाद नहीं भाई महमदाबाद, आप देख लो यहाँ पे महमदाबाद खेड़ा रोड, ये आपका रेलवे स्टेशन है, ये आपका यहाँ पे आफ्टर मणिनगर ये दूसरा हॉल्ट है। महमदाबाद भी भाई वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। यहाँ पे इस ट्रेन के पहुँचने टाइम है 7:35 और 7:37 पे 2 मिनट के हॉल्ट के बाद में ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है आगे के स्टेशन के लिए। अभी जो हमारी ट्रेन पहुंची है नंदा रेलवे स्टेशन पे 7:50 पे, यहाँ पे ट्रेन के पहुंचने का टाइम है 7:52 पे, आपका 2 मिनट ऑफ होल्ड, यहाँ से निकलने का टाइम है प्लेटफॉर्म नंबर है 1। और भाई यह भी जो आपका वेस्टर्न रेलवे के अंदर में आता है, इसका स्टेशन कोड है ND। बात मैं नडियाद की करूँ, जो नडियाद है फेमस है ऑटोमोटिव आर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और भाई जो अक्षर पटेल आपको पता होगा एक क्रिकेटर है जो इंडियन टीम में भी खेले थे और IPL में काफ़ी टाइम तक मतलब बहुत अच्छे से खेले थे, इनका यह होम डिस्ट्रिक्ट है नडियाद। आठ बज के 13 मिनट पे हमारी गाड़ी अभी आनंद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंची है, जिसका स्टेशन कोड है ANDA। ये भी आपका भाई वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है, डिवीज़न इसका है वडोदरा और यह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और भाई आनंद के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आनंद को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अमूल है, जो आपको पता होगा कि भारत में जो अमूल दूध है या अमूल बटर या जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सप्लाई बहुत बेस्ट लेवल पर होती है और उसका पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आपका आनंद में होता है, इसलिए आनंद को भाई मिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और खेड़ा के बारे में काफ़ी कुछ एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि 1918 में महात्मा गांधी ने जब यहाँ पे मिल में स्ट्राइक हुई थी तो उसके 7 दिनों के बाद में खेड़ा मूवमेंट या सत्याग्रह यहाँ से शुरुआत करी थी, इसलिए खेड़ा का ऐतिहासिक महत्व भी है। बाकी भाई आप खेड़ा के बारे में क्या जानते हो या फिर आप कहीं आसपास खेड़ा से या फिर आनंद से हो कमेंट करके एक बार बताना। बाकी भाई ये आपका आनंद जंक्शन रेलवे स्टेशन, अगेन मतलब गुजरात के सारे रेलवे स्टेशन भाई बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एकदम प्रॉपर तरीके से भाई बने हुए हैं। ये है आपका आनंद रेलवे स्टेशन, आनंद जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4, ठीक है, आपका 4 नंबर प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे आपका 5 नंबर प्लेटफॉर्म है। ये आपका अमूल है, आप देखो ये पूरी अमूल की फैक्ट्री है और दूर पे आप देख सकते हो वहाँ पे भाई ये अमूल है। काफ़ी अच्छा लगा मतलब यहाँ पे, और कभी पॉसिबल होगा तो अच्छे से हम लोग आनंद को कवर करेंगे और मैं भी आनंद हूँ और ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इस शहर से या इस आनंद जगह से मुझे अटैचमेंट नेक्स्ट वर्ल्ड की हो सकती है। ट्रेन की स्पीड की मैं बात करूं तो भाई आप देख लो यहाँ पे 104, 107, 106, 110
तो एकदम फुल स्पीड पे ट्रेन अपनी भाई चल रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अपने आप को सुपर फास्ट प्रूव करने में पूरी जी जान से लगी हुई है। और मैं ऐसा कह दूं कि मैं भाई अभी मैं रेलवे स्टेशन पर भी था, मतलब प्लेटफॉर्म पर था अहमदाबाद में, तो एक भाई ने बोला कि आप वंदे भारत की जर्नी करो, वंदे भारत काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। मैं एग्री करता हूँ वंदे भारत में है, बट अगेन अभी वंदे भारत के लिए थोड़ा टाइम है मेरे लिए। और भाई यहाँ पे पूरी तरीके से केले की खेती की गई, आप देखो यहाँ पे जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है हर जगह पे मुझे केले की खेती दिख रही है, आनंद क्रॉस करने के ठीक बाद ही। भाई वडोदरा जामनगर या फिर वडनगर वलसाड, देखो ये है आपकी ऑन बोर्ड कैटरिंग, जहाँ पे लोग इसी तरीके से चीज़ें ट्रेन में सर्व करते हैं। ये आपकी ऑन बोर्ड कैटरिंग है। आठ बज के 45 मिनट और लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में हमारी गुजरात सुपर फास्ट एक्सप्रेस अभी वडोदरा में खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, 8:39 पे यहाँ पे इसका आने का टाइम है और 8:44 पर ट्रेन यहाँ से निकल जाती है आफ्टर 5 मिनट ऑफ हॉल्ट। खाने पीने के लिए आपको यहाँ पे भजिया वड़ा पाव सब कुछ मिल जाएगा। वडोदरा का पुराना नाम बड़ौदा था और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे लक्ष्मी विलास पैलेस है जो एक बहुत ही हिस्टोरिकल मतलब मोनूमेंट है, जहाँ पे लोग विजिट करते हैं, यहाँ पे लोग विजिट करते हैं जो गायकवाड़ राजघराना था उनके द्वारा वह बनाया गया था। बाकी भाई वडोदरा इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो नोटेबल पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे मैं भुवन बम की बात करूँ जो यूट्यूबर हैं, उसके साथ में जो पठान ब्रदर्स है इरफान पठान, यूसुफ पठान, साथ में पांड्या ब्रदर्स हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, ये सभी के सभी लोग भाई वडोदरा से ही बिलोंग करते। ट्रेन छूट गई है, मत 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 गिर जाएंगी बिना मतलब फंस जाएंगे, आराम से आओ ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भाई नहीं करनी है और आपको भी ना मतलब क्योंकि क्या है ना वो सीनियर सिटीजन ऐसे में अगर वो कोशिश करेंगी, और मैंने बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं, देखो कुछ ऐसे जो कहानियां हैं या किस्से हैं जो मजाक में लोग बोलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सच है। ट्रेन एक बार छूट गई ना प्लेटफॉर्म से आप पीछे मत भागो, दूसरी ट्रेन से आओ चलेगा, थोड़ा 400-500 टिकट आपका जाएगा लेकिन ज़िंदगी से कीमती भाई कुछ भी नहीं। और बहुत बार इंसिडेंट होता है, आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी बात है, पकड़ तो मैं लूँगा, लेकिन गलती से अगर आपके हाथ छूट गए, और बहुत बार होता है भाई, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी है, मैं कभी भी इन चीज़ों को भाई सपोर्ट नहीं करता हूँ। ट्रेन छूट गई प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल मत भागो, दूसरी ट्रेन से आओ, चालू ले लो टिकट, टीसी को फाइन भर दो, दैट इज़ ओके, टोटली फाइन, बट ट्रेन को भागते हुए पकड़ना नहीं है। बाकी ये देख लो भाई आपको वड़ा पाव, समोसा नहीं वड़ा भजिया ये सभी मिलता है, समोसे वगैरह का सिस्टम नहीं है। एंड वी आर क्रॉसिंग वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जाए बज के 22 मिनट पर हमारी ट्रेन अभी पहुंची है नेक्स्ट स्टॉप पालेज, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। पालेज सेम वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है, यहाँ का स्टेशन कोड है PLJ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी थी, गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसका टाइमिंग यहाँ पे आने का है 9:18 और 2 मिनट का हॉल्ट के बाद में 9:20 यहाँ से निकल जाती है।
और ये रही हमारी आज की पहली प्रॉपर क्रॉसिंग। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि एक भी क्रॉसिंग मैं देख नहीं पाया हूँ, क्योंकि जब मैं गेट पे खड़े रह रहा हूँ तो ट्रेन नहीं आ रही, और जैसे मैं जाके बैठ रहा हूँ ना एज यूजुअल ऐसे आ रही है। अभी तक इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाया हूँ कि किस तरीके से ट्रैक करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बट वो जो पैरामीटर है वो अलग ही जाता है, बट ठीक है, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा और आपको भी मैं सिखा दूँगा। अगला हॉल्ट अपना आने वाला है भरूच रेलवे स्टेशन, और उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ फेयर के बारे में। तो ये ट्रेन पूरी सीटिंग है, इसमें किसी भी तरीके का स्लीपर नहीं है, अहमदाबाद से लेके मुंबई सेंट्रल तक भाई। और इसमें अगर आप सेकंड सीटिंग में ट्रेवल करते हो तो 190 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, अगर आप तत्काल में टिकट निकालते हो तो 200 रुपये पे करना पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो 17-18 रुपये ऊपर के लगेंगे। 218 रुपये में मेरा टिकट था सेकंड सीटिंग का। अगर आप एसी वाली में कराओगे तो 685 उसका टिकट है नॉर्मल का, और अगर आप तत्काल में जाते हो तो अगेन 865 कुछ उसका प्राइस है, और 10-20 जो भी आपका कन्वीनियंस फीस लगे अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो, अदरवाइज विंडो से एज इट इज़ आपका 190-200 तत्काल के लिए, 685 और 865 आपका तत्काल के लिए एसी वाले के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भाई मैंने आपको फेयर भी बता दिया। अहमदाबाद से चलने के बाद में ट्रेन ने नवा हॉल्ट लिया है भरूच रेलवे स्टेशन पे, जो आपका वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। इसका स्टेशन कोड है BH। यहाँ पे आने की जो टाइमिंग है 9:40 को है, तो 9:40 पे यहाँ पे ट्रेन आती है, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद में यहाँ से निकल जाती है। भरूच के बारे में अगर मैं बात करूँ भाई, तो नर्मदा जो नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ है। जो ऋषि भृगु थे उन्होंने इस शहर को बसाया हुआ ऐसा कहा जाता है, और यहाँ के जो पीनट्स जो सॉल्टी जो मतलब जो हम खाते ना सिंगदाने काफ़ी फेमस है यहाँ भरूच में। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है शायद, जिसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22954 अहमदाबाद टू मुंबई सेंट्रल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आपको मिलेगी। ये है आपकी नर्मदा नदी भाई, और किसी समय में और आज के टाइम पे भी भाई इस नदी का जो आपका पोर्ट होता है ना, मतलब एक तरीके से जो यातायात का साधन होता है जहाँ पे चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करा जाता है पानी के थ्रू, जल मार्ग के थ्रू, तो भरूच जो सिटी है वहाँ पे इस नर्मदा नदी का उपयोग भाई बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल के स्केल पे किया जाता था समय के साथ में, और आज भी किया जाता है।
भरूच क्रॉस करने के बाद में और सूरत आने के पहले बीच में दो रेलवे स्टेशन पड़े थे, एक तो अंकलेश्वर जो मैं कवर नहीं कर पाया भाई, मेरी गोप्रो की बैटरी खो गई थी या यूँ कहें मिल नहीं रही थी। सेकंड अभी कौसाम्बी है, मैं बता दूँ एक बार फिर से, ज़रा प्रोनाउंसिएट थोड़ा सा रॉन्ग हो गई लग रही है। ओके देखो कोसम्बा, तो भाई ये कोसम्बा है, उसके बाद में किम आएगा और किम के बाद में अपना प्यारा सूरत आएगा, जहाँ पे मैं आराम से मतलब सूरत क्रॉस करने के बाद में आराम से बैठ के जो मैं नाश्ता घर से लेकर आया हूँ उसे खाऊंगा, फिर अपना सफ़र हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्टेशन है जिसके बारे में ज़्यादा क्या ही कहना है, बट एनीवेज अगर कोई भाई आसपास का होगा तो छोटा नहीं है, ज़रा कमेंट करके बता देना कि आप कोसम्बा या फिर किम या फिर अंकलेश्वर के आसपास कहीं पर आप रहें। अभी घड़ी में बज गया 10:52 और अपना अगला हॉल्ट जो है सूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे टाइमिंग है ट्रेन के आने की 10:52 पे, 5 मिनट का हॉल्ट है सूरत में। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22954 यहाँ पे आके रुकती है भाई। सूरत का बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल महत्व रहा है, आपको पता होगा कि 1664 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे रेड करी थी, बहुत सारा धन यहाँ से लूट के जो उनका मेन बेस लोकेशन था रायगढ़ फोर्ट वहाँ पे ले गए थे। बहुत सारा रीज़न उसके पीछे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मुगल का जो गवर्नर था शाइस्ता खान डेक्कन में बिजी था, मराठा आर्मी वहाँ से लड़ रही थी लगातार, ऐसे में वो हिस्टोरिकल चीज़ें। मेरे कहने का मतलब है कि सूरत किस तरीके से भाई महत्व रखता है। सेकंड थिंग ये भी आपका भाई वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है, डिवीज़न आपका ये भी सेम वडोदरा है और वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया करंट में सूरत है। 2 साल से पिछले बार इंदौर बाजी मार जा रहा था, सूरत दूसरे नंबर पर रह रहा था, लेकिन इस बार जॉइंटली विथ इंदौर जो आपका सूरत है इंदौर के साथ में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के तौर पे इसको भाई तमगा मिला है। बाकी आप यहाँ पे देखो हम लोग सूरत रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे एक पुतला बना हुआ है बाबा भगवान विज्ञान भंडार बुक शॉप, वो यहाँ पे एक चीज़ें बनी हुई। तो कहने का मतलब है कि सूरत रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा भाई महत्व रखता है अपने आप में। और ये है हमारी गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ये मेरा डब्बा D8। और डब्बे में भाई ऐसा है कि किसी भी तरीके का चार्जिंग पोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो अगर आप इस तरीके से D1, D2, D8 में अगर आप ट्रेवल करोगे आप अपने साथ में पावर बैंक रखना, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे क्योंकि किसी भी तरीके का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया नहीं गया है। बाकी सूरत के बारे में एक और चीज़ भाई, ये डायमंड सिटी के नाम से जानी जाती है वर्ल्ड में। 90% जो डायमंड या तो सूरत में पॉलिश होते हैं या तो सूरत में कटिंग वटिंग जो भी होती है, तो 90% जो डायमंड होते हैं सूरत में मतलब किसी भी तरीके से हो घूम फिर के सूरत में आते हैं। लगभग 5000 से ज़्यादा यहाँ पे यूनिट्स हैं जो प्रॉपर बनाई गई हैं डायमंड के लिए, मतलब एक तरीके से पूरा डायमंड हब है भाई और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या ही कहने। गुजरात में अहमदाबाद के बाद में सूरत सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है, और भाई रोजगार के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो जितने भी मतलब ऐसे जो स्टेट्स हैं ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे रोजगार की सुविधा अच्छे से अवेलेबल नहीं है, सूरत एक तरीके से उनको एक अपना शेल्टर प्रोवाइड करता है भाई। ठीक बोले मैं लेगा कौन सा चाहिए किसी का भाई, वेफर लाना था भाई, एक वेफर दे दो ना जरा, वेफर कोई भी दे दो 20 का है, दे दो निकालो भाई जरा दो जल्दी, एक वेफर दे, चलो वो दो पोहे कितने वेफर दो ना भाई एक जल्दी। पकड़ो नहीं नहीं पकड़ो ये पकड़ो कोई नहीं चलिए थैंक यू भाई साहब। ये फटी एक्चुअली आप रहने दो, नहीं है तो रहने दो कोई वादा नहीं, ये फट गई ये नोट देखो फट गई, अल्टीमेटली मतलब नहीं लेके आप रहने दो मेरी तरफ से रहें। नाश्ता वगैरह यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन अगेन बाहर से मैं ज़्यादा खाना अवॉइड करता हूँ, मतलब बाहर से मैं ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि घर पे इतना सारा खा लेते हैं भाई कि बाहर क्या ही खाए। ठीक है, घर से मैं राइस फ्राई वगैरह सब कुछ लेके आया हूँ। सूरत को टाटा बाय बाय।